एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन आलू चावल। ये चिकन बनाने के लिए चिकन अच्छी तरह से ठंडे पानी से साफ कर लिए है, और यहाँ पर मैंने सारे मसाला लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, इलायची, दालचीनी, लौंग, और यहाँ पर मैंने दो टमाटर, दो आलू अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिए हैं, और यहाँ पर मैंने सारे ड्राई मसाला लिए हैं, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। अभी आलू और टमाटर चिकन में दे दूँगी, सारे मसाला दे दूँगी, लहसुन सारे दे दिए है अभी, इसमें नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर दे दूँगी। देखिए सारे मसाला मैंने दे दिए हैं, इसमें अभी सरसों का तेल दे दूँगी, तेल मैंने दे दिए है अभी, अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करके 10 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद चिकन झोल बनाऊँगी। चिकन मैंने मिक्स कर लिए है मसाले के साथ, अभी 10 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी। हो चुकी है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए चिकन करी बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिए है, तेल और प्याज दे दिए हैं, इसमें अभी जीरा दे दूँगी। प्याज फ्राई हो चुकी है, अभी चिकन दे दूँगी। देखिए चिकन दे दिए है, अभी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाले के साथ चिकन अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए है, अभी ढक्कन देख के 5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। ये देखिए 4-5 मिनट तक मैंने ऐसे ही चिकन ढक्कन देख के पका लिए है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। अभी पानी दे दूँगी। ये देखिए पानी मैंने दे दिए है, अभी हाई फ्लेम में 5-10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। ये देखिए पानी में उबल आ चुकी है, चिकन हमारी लगभग हो चुकी है, अभी हरा धनिया दे दूँगी। देखिए चिकन करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है, अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी चिकन करी कैसे बनी। ये देखिए गाइस, आज की हमारी चिकन की लाल चावल करी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग भी घर में ऐसे बना के ज़रूर खाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की जो चिकन की लाल चावल रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।